खरगोन की कुंदा नदी में इन दिनों गंदगी पैर पसार रही है। समय पर साफ सफाई नहीं होने से आसपास के रहवासी बहुत परेशान हैं। ऐसे में नगरपालिका प्रशासन के सुस्त रवैये पर सवालिया निशान खड़े होते दिख रहे हैं, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। हम आपको बता दें कि शासन प्रशासन स्तर पर नदी की साफ सफाई को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में नदी में पसरी गंदगी और निर्मित जलकुंभी नगरपालिका प्रशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। इस दौरान नगरवासियों ने बताया कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थल नदी किनारे होने के बावजूद साफ सफाई नहीं की जा रही है। वहीं लोगों ने नाराजगी व्यक्त करके साफ सफाई की मांग की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप करती है, लेकिन आज तक वो गंदी गंदी नजर आ रही है। आप भी वहीं रहते, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंदा नदी के ऊपर हर साल नगर पालिका लाखों रुपया खर्चे तो करती है, लेकिन आज भी कुंदा नदी के हल जो है इतनी गंदगी की भरमार है वहाँ पे कि आने जाने वाले लोग, जैसे बड़े त्यौहार होते हैं, कोई अम्मा मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्चे भी है, तो सबको परेशानी होती है वहाँ से, क्योंकि गंदगी इतनी है नदी किनारे कि वहाँ से वो खड़े रहना भी दुभर हो जाता है। और जलकुंभी की तो मार इतनी है कि पानी तो नदी के अंदर नज़र ही नहीं आता। क्या नाम है आपका? सिराज खान। कुंदा नदी हमारे खरगोन क्षेत्र की जो दक्षिण क्षेत्र से बहकर यहाँ पर आती है, आज के दौर में जो दयनीय स्थिति है कुंदा नदी की, जो बदतर स्थिति ऐसी पहले कभी नहीं रही होगी। आज कोई भी व्यक्ति, या तो भोपाल से कोई सा आयोग आ जाए, दिल्ली से कोई सा आयोग आ जाए, यहाँ के अधिकारी लोग सफाई के नाम पर पुरस्कार लिया करते हैं, अवार्ड लिया करते हैं, और जब मंत्रियों के कार्यक्रम होते हैं तो एलईडी पर कुंदा की सफाई अभियान की बात करते हैं, लेकिन कुंदा बहुत गंदी है, बहुत गंदी है और बहुत गंदी है। यहाँ से वहाँ तक देखो, कीचड़ ही कीचड़ कूड़ा भरा हुआ है, पूरे नाले के पानी उसमें आके मिल रहे हैं, जलकुंभी लगी हुई है, सड़ांदा आती है, जबकि कहा जाता है कि वो सद्भावना क्षेत्र है, वहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है और चर्च भी है वहाँ पर। शाम के समय में एक चौपाटी भी लगती है, दर्शनार्थी लोग आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जितनी गंदगी है वो एक चिंतन का विषय है। मैं यही कहूँगा कि नगर पालिकाओं को चाहिए कि ईमानदारी से काम करे, कुंदा में सफाई करे और शहरवासियों को एक सौगात दे। देखते ही हर साल लाखों रुपया खर्च करते हैं, हर साल ऐसा बताया जाता है कि बहुत रुपया खर्च किया जाता है, अभी कितना आता है, क्या आता है, तो सूचना के अधिकार में पूछना पड़ेगा, और बहुत व्यय किया जाता है जो अपव्यय हो जाता है। और इसका कुछ न कुछ, क्या नाम है आपका? संजय पारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।